ये स्कूल है या कोई डिस्को क्लब? इतने छोटे होके तुम लोग क्या कर रहे थे क्लास में? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बैड कंडक्ट लिख के टीसी देता हूँ। ए डैडी को बुलाओ, पढ़ने के नाम पर ये सब चल रहा है स्कूल में। सॉरी, कॉल योर पेरेंट्स। ए तू भी कॉल कर अपने पेरेंट्स को, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। अपने पेरेंट्स को कॉल करने की जगह एक दूसरे का मुंह देख रहे हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ इडियट, मेरे स्कूल का नाम खराब करोगे? हाँ तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर 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 ये इन्वॉल्व नहीं है सर, मैंने इसे रूम पर बुलाया था सर। कमीने, तुम दोनों मेरे स्कूल का नाम खराब करोगे? छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सर इसने कुछ नहीं किया, मैंने बुलाया था, मेरी गलती है। ओहो, तुम दोनों ने ये साथ में करने का प्लान बनाया था? नहीं। एक तो गलती करते हो और एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। यू रास्कल, बताता हूँ कैसे सपोर्ट करते हैं। ए, तुम दोनों मेरे स्कूल में मत आना, मैं खुद ही तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। जाओ दूसरा स्कूल ढूंढ लो। मुझे पता है तुम लोग कॉल नहीं करोगे, मैं ही फोन लगाता हूँ। सर प्लीज सर, अगर उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे सर, वो ये सब नहीं बेर कर पाएंगे सर। सर प्लीज सर, पेरेंट्स को मत। क्या रे, तू उससे प्यार करता है? यही करने स्कूल में आता है क्या? अगर ऐसा ही करता रहा तो एक दिन अपने खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा, इडियट कहीं का। सर, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अरे एक दूसरे के लिए एक भी शब्द नहीं बोल रहे हो? तू भी नहीं बोल रहा है? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, स्कूल में अगर तुम दोनों मुझे एक साथ दिखे, एक सेकंड में तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, याद रखना। चलो उठ। ठीक है सर, हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी सर। चल निकल। माय वंडरफुल बॉडी। मैचिंग। कैसे बोलूं मैं? मैडम,
मैडम मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। ओके सर, इट्स ओके। सच कर रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं देखा सच में। That's okay, sir. ये गलती से हुआ था, आई कैन अंडरस्टैंड। चुकिएगा नहीं। सर हाँ, आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है सर? 8th क्लास सर। एक्चुअली मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे क्लास दे देंगे आप? आप मेरी सैलरी भी ले लीजिए सर, ले लीजिए मेरा वॉलेट भी ले लीजिए। कोई जरूरत नहीं सर। ओके सर, सॉरी सर। हाँ, आप और डॉली मैडम एक साथ अच्छे लगते हैं। जाने मत देना उनको। All the best, हाँ? सर, हाँ? 8th क्लास का था ना, ले लीजिए। हाँ, take it ऐसे। हाँ, naughty हाँ। हाँ ठीक है सर। Sorry. It's okay. उसे रोता हुआ देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे देखकर लगता है कि वो मेरे साथ रहना चाहती है, और अब वो रो रही है और मैं उससे दूर कभी भी नहीं रहना चाहता। Hey, don't worry यार, सब ठीक हो जाएगा। नीरज कहाँ है? पता नहीं यार, उसने रात को और स्कूल से जाते वक्त भी कुछ नहीं बताया। प्लीज चल भाई। तेजा, अगर प्रिंसिपल सर को मैं ऐसा नहीं कहती तो वो हमारे पेरेंट्स को बुला देते। तेजा भूल जाओ मैंने उनके सामने क्या कहा, चलो इस बारे में बात करते हैं प्लीज। तुम्हें तो कुछ बोलना नहीं है और अब कह रही हो कि उस बारे में बात करें, ठीक है बताओ। प्लीज मेरी बात सुनो तेजा, समझने की कोशिश करो। hey! चल हाथ आगे कर। सर, 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 वो बस मुझसे बात कर रही थी सर। कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे? हाँ ये लास्ट और फाइनल वार्निंग है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम एक लड़की हो, अगर नहीं होती तो शिट, शर्म आती है तुम लोगों का मुंह देखकर। अरे खा तो सही,
मुझे भूख नहीं है। अपना लंच बॉक्स मुझे दे फिर, मैं खा लेता हूँ। नहीं यार, उसने भी कुछ नहीं खाया। वाओ, केक लेके आई है। अरे ये तेजा के लिए है, ये वाला ले ले तू। ओ तेजा, वन्ना तेरे लिए केक लेके आई है। क्यों भाग रहा है? हाँ? मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और ये सोचना कि वो मुझसे दूर हो जाएगी, ये सोचकर ही मुझे बहुत दर्द हो जाता है। मैं ये दर्द ले लूंगा और प्यार को अपने पास ही रख लूंगा। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे मिलने के लिए क्लासरूम में बुलाया था। तो अब क्या करेगी तू? मुझे उसे बात करनी है। ओके, एक काम कर। हे अब्बा। सुन, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो कल स्कूल के बाद मेरा वेट करना, मैं वेट करूंगी। तेरा इंतजार करूंगी। मैडम, बोलिए सर। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो? आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। एक्चुअली मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बहुत बार आप सर। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने पहले ही शादी फिक्स कर दी है, नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। यू आर टू लेट सर। सर, हाँ? आज डेट क्या है? अप्रैल 1st मैडम। हैप्पी फूल्स डे सर। आई एम आल्सो लगता है अब तो लाइन क्लियर है। झुकेगा नहीं।
तेजा, तू कहाँ जा रहा है? मैं वंदना से मिलने जा रहा हूँ यार, वो मेरा वेट कर रही होगी। वो क्या हुआ रे? अरे हेल्प करो मेरी, मैं कुछ स्नैक्स लेने गया था, वहां से फिर ऐसी हालत में घर आया। थोड़ा सा ही है, बस आराम की जरूरत है। वो बहुत इजली ले रहा है यार, 5,000 रुपए चाहिए उसे ठीक करने के लिए। एक्सरे करना है, कुछ टेस्ट भी करने हैं, कुछ दिन के लिए पट्टी बांध के रखे है उसके हाथ की। 5,000? अंकल आंटी कहाँ है? अपना लोन और उधारी चुकाने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, उन्हें भी सब कुछ पता है। यार ये बीम करते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ जरूर जरूर भाई। अरे ब्रो ये रहे 5,000 दे रहे। थैंक्स भाई, मैं अपना अकाउंट डिटेल आपको व्हाट्सएप करता हूँ। अच्छा बताना भूल गया, तुम्हारा मीम्स बहुत ही अच्छा था। सच में मैंने भी देखा, बहुत क्रिएटिव है, ऑसम। थैंक यू थैंक यू भाई। दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक है क्या तेरा? ए पागल है क्या, ऐसा कुछ मत बोल। तूने फोन किया और पैसे ले आया? वो दरअसल मैंने अपना मीम पेज सेल कर दिया। क्यों यार? देख भाई, अगर मीम पेज खो जाए या कुछ हो जाए तो हम उसे वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर नीरज को कुछ हो गया तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। पागल, वंदना भी ऐसे ही रोती है। ये रख, मैं आता हूं थोड़ी देर में। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी देर हो गई और तुम अभी तक यही हो? कुछ हो जाते तो। I love you. जब तुमने प्रिंसिपल को ऐसा बोला था तो मैंने सोचा था कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हें प्यार भी नहीं करूंगा। मैं तुमसे बहुत गुस्सा था, तुमसे दूर जाने का भी सोचा, लेकिन तुम तो जानते हो हम हमेशा बात करते हैं और हमेशा हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, देखना। लेकिन तुमने कहा था स्ट्रॉन्गली कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी और उसी वक्त मैं समझ गया था। तुमने मेरा केक डस्टबिन में क्यों फेंका? मुझे कितना बुरा लगा था। देखो अभी भी रो रही हूँ। ये लड़कियां कितना रोती हैं यार, देखना एक दिन आएगा जब लड़के रोने लगेंगे। अब तुम अपना रोना बंद कर दो, ठीक है? आई लव यू टू। मैं बोलूंगी एक स्पेशल क्लास है कल, तुम मुझे एक डेट के लिए लेके जाओगे? ठीक है लेकर चलूंगा।
सॉरी प्लीज। क्या लगता है क्या कर रहे होंगे वो लोग? अरे क्या पता यार। वंदना के पापा हैं। अरे तुम 9th क्लास की वंदना को जानते हो? वो घर नहीं आई है, तुमने कहीं देखा क्या उसे? देखा या नहीं? हाँ अंकल, उसकी साइकिल उस गली। क्या? आओ उधर। वहाँ उस गली में एक पंचर की दुकान है, मुझे लगता है वो वहीं होगी। तूने क्यों बताया उन्हें? और मैं क्या बोलता? हा? फिर डैडी, साइकिल टायर पंचर हो गई थी। उसने बोला वो मुझे 20 मिनट में दे देगा और अब बोला वो कल देगा। मैंने उस शॉप में कॉल भी किया, नया नंबर था, आपने पिक नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तब से यहीं वेट कर रही हूं। चलो तेजा कहाँ है?